बातचीत कर रहे हैं और
नारद जी के वहां पर जाने पर सबने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को लग रहा है कि सबको हम भगवान दिख रहे हैं इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग नारद जी को एक संत के रूप में प्रणाम कर रहे थे। नारद जी को लग रहा है भगवान लग रहे हैं इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कन्या जयमाला लेकर के बाहर निकली, पीछे के रुद्रगढ़ कहते हैं, जानते हो आज कौन सा राजकुमार के गले में माला डलेगा? दूसरा बोला किसके गले में डलेगा? फिर पहला वाला कहता है, वो जो पहले नंबर के कुर्सी में बैठा है ना, देखो कितना सुंदर है, उसी के गले में जयमाला कन्या डालेगी। नारद जी को लग रहा है हमारी बात हो रही है, हम इतने सुंदर हैं इसलिए ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, जबकि दोनों व्यंग्य कर रहे थे। नारद जी को समझ में नहीं आया। और जैसे कन्या आई तो कन्या ने देखा, उस लाइन में देखा तो कन्या को क्या दिखाई दी जानते हैं? क्या दिखाई दी? हाँ, मरकट बदन भयंकर देही, एक बंदर के रूप में नारद जी दिखाई दिए। वो भी छोटा मोटा बंदर नहीं, बहुत भयंकर वाला, विशाल बदन, मारने काटने वाला बंदर कन्या को दिखाई दिया। अब तो कन्या ने उस पंक्ति को ही छोड़ दिया, दूसरे पंक्ति में चली गई। नारद जी को लगा हम इतने सुंदर विश्वमोहन इधर बैठे हैं और विश्वमोहन हमको छोड़ के चली गई। नारद जी को लगा हो सकता है नजर नहीं पड़ा होगा। अब फिर उसके बाद नारद जी सोच रहे अभी घूम करके यहीं पर आएंगे, लेकिन उस पंक्ति के दूसरे पंक्ति के लाइन में भगवान स्वयं नारायण राजकुमार के रूप में आकर के बैठ गए। विश्वमोहनी गई, भगवान के माया ने भगवान के गले में माला पहनाया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब तो भगवान विश्वमोहनी को लेकर के अपने धाम चले गए। अब यहाँ पर सब आपस में बात करने लगे, विश्वमोहनी का स्वयंवर तो हो गया, चलो अब यहाँ बैठ के क्या करेंगे, घर चलो। सब राजकुमार निराश होकर के जाने लगे। इतने में नारद जी को लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता, हमको छोड़ दिया आश्चर्य में। और पीछे से रुद्रगढ़ बोले कि एक बार जाकर के अपना सकल देख के आ जाओ। अब नारद जी महाराज जाकर के जैसे पानी में अपने सकल को देखा तो भयंकर बंदर के रूप में है। अब तो इतना क्रोध आया है भगवान को गाली देने लगे। नारद जी मन में सोचते हैं भगवान ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, धोखेबाज है, आज मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, दई हूँ।